साथियों, इस बरसात से पहले हमने हमारे इस बोरवेल को, इस ट्यूबवेल को, एक उसका एक वाटर रिचार्जिंग सिस्टम हमने एक डेवलप किया था। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। कई साथियों ने पूछा था कि ये जो बोरवेल रिचार्ज का हमने सिस्टम बनाया था वो कितना सक्सेसफुल रहा है। तो आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ये जो बोरवेल रिचार्ज हमने किया था उसका आज क्या रिजल्ट रहा है। मैं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से, नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये इस बोरवेल को हमने बरसात से पहले रिचार्ज किया था। वो कैसे किया था, थोड़ा सा उसका मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा। और कई साथियों ने पूछा था कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। इस समय जनवरी का महीना है और अगर मैं पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा ज़रूर मिला है, क्योंकि पिछले साल इसी समय इस बोरवेल में पानी बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था और इस समय जनवरी 2021 में पानी उतना नहीं है, कम अभी भी पड़ा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट्स बेटर है। लेकिन जितना मैंने सोचा था कि इस रिचार्जिंग मेथड से ये पानी बढ़ जाएगा, उतना रिजल्ट मेरे को देखने नहीं मिला है। उसका एक कारण ये भी था कि इस साल बरसात कम हुई है, और कम होने का मतलब कि पानी इतना गिरना चाहिए कि आपका जब खेत का पानी बहते हुए ये जो हमने पिट्स बनाए थे, ये जो गड्ढे बनाए थे, उन गड्ढों में ये पानी आए और तब जाके इसमें ये बहके आए। तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमने गड्ढे किए थे। तो साथियों, ये हमारा पहला जो पिट था, यहाँ उस नाली से ये पानी यहाँ आता था और इस वाले टैंक में रहने के बाद ये आगे वाले टैंक से पानी उस ट्यूबवेल के जो गड्ढा है वहाँ जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि इस साल बारिश कम हुई है और कम होने के कारण जो खेत का जो पानी बहके आता है वो पानी उतना बहा नहीं, और इस गड्ढों में नहीं आने के कारण जितनी मात्रा में ये पानी जाना चाहिए था उतनी मात्रा में ये पानी नहीं गया। तो एक ये कारण भी हो सकता है कि जो वाटर लेवल है उस तरीके से नहीं बढ़ा जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बढ़ना चाहिए। बट फिर भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क देखने मिला है। एक प्रॉब्लम जो हमने यहाँ फेस की है वो ये है कि जब पानी बहके आता है, और इवन दो हमने दो पिट्स बनाए थे, दो गड्ढे बनाए थे, उसमें हमने जालियां भी लगाई थी और एक फाइनल जाली हमने यहाँ लगाई थी, उसके बाद भी उस पानी के साथ थोड़े से मिट्टी के रेशे बह के आए थे और वो मिट्टी के रेशे इस बोरवेल की जो केसिंग है उसके अंदर गए। अब चूंकि वो मोटर पूरी बरसात भर उसमें डली रही थी, इवन दो हमने उसका उपयोग नहीं किया था, बरसात में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी, तो उस रेशे के कारण वो जो रेशे हैं वो मोटर पे ऊपर डायरेक्ट पड़े और मिट्टी के रेशे के कारण वो जो बुश है मोटर के वो ख़राब हो गए, और उस बुश ख़राब होने की वजह से मोटर जल गई थी। तो इस मोटर को हमको रिपेयर भी कराना पड़ा। तो हमने ये सोचा है कि अगली बार जब बरसात के समय या तो इस मोटर को हम निकाल लेंगे ताकि वो ये प्रॉब्लम जो अभी हमने फेस की वो प्रॉब्लम हम फेस ना करें, और दूसरा शायद एक दो पिट और हम बना सकते हैं ताकि वो जो पानी है वो थोड़ा सा और फिल्टर होके इस मेन जो गड्ढा है उसमें आए। क्योंकि ओवरऑल में देखें तो इससे फ़ायदा तो होने ही वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले अगर मैं इस साल देखूँ तो पानी थोड़ा सा तो बड़ा है, उतना नहीं बड़ा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यस डेफिनेटली अंतर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर थोड़ी अच्छी खासी बारिश होगी और उस बारिश का पानी जब बह के इस गड्ढे में जाएगा तो डेफिनेटली ये हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें रिचार्जिंग में ये हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये इसलिए ये वीडियो मैं आप तक लेके आया था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि कितना सक्सेसफुल ये जो वाटर रिचार्जिंग सिस्टम हमने बनाया था वो कितना सक्सेसफुल रहा है। और इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।